So now continuing with the numericals of exercise of chapter number 3, चलते हैं 3.5 पे। 3.5 में आपको क्या दिया हुआ है, एक प्लेन है, ये मेरी तरफ से एक प्लेन है। अच्छा, ये प्लेन आगे बढ़ रहा है, इट्स मूविंग फॉरवर्ड। इसकी स्पीड, एरोप्लेन बोलते हैं, इसकी स्पीड है 500 किलोमीटर पर आवर एंड इट इज एमिटिंग प्रोडक्ट्स, यानी कि जो फ्यूल उसमें बर्न हुआ उसका जो धुआं निकलेगा, द ब्लड प्रोडक्ट्स आर एमिटेड एट अ स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर। पर ये तो प्लेन की स्पीड, प्रोडक्ट की स्पीड नहीं है, ये प्रोडक्ट की स्पीड रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन है, तो वीपी ए हो गया। ओके, चलो हम इसको सिंपली लेते हैं यूं कि द प्लेन इज मूविंग फॉरवर्ड, तो प्रोडक्ट इज आर एमिटेड बैकवर्ड। प्लेन की स्पीड जो है 500 किलोमीटर पर आवर, प्रोडक्ट की स्पीड रिस्पेक्ट टू प्लेन इज गिवन 1500 किलोमीटर पर आवर, बराबर है। तो हमें फाइंड करना वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है, विद हाउ मच वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आर द प्रोडक्ट कमिंग आउट। तो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, VPA, वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट रिस्पेक्ट टू प्लेन विल बी इक्वल VP माइनस VA। ओके, सो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू VPA प्लस VA। अब VPA कितना है, तो VPA 1500 प्लस एरोप्लेन का 500 मेक्स टोटल 2000 किलोमीटर पर आवर, दैट इज द स्पीड ऑफ प्रोडक्ट कमिंग आउट। ओके, हेल्प द स्पीड ऑफ प्रोडक्ट कमिंग आउट, बराबर है। तो वैसे तो आप बोलते हैं हाँ आ गया, बराबर है सर, अरे ध्यान रखो प्रोडक्ट उल्टा आ रहा है, तो अगर इसको पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये प्लस तो करना ही है पर नेगेटिव रहेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रोडक्ट्स, विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट प्लेन इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये आंसर होगा आपका 1000। इससे कृपया ध्यान रखें डायरेक्शंस का भी व्हाइल डूइंग द सम्स ऑफ रिलेटिव मोशन, बी वेरी केयरफुल अबाउट द डायरेक्शंस। ओके, तो हो गया सवाल नंबर 3.5। नेक्स्ट वी टेक एक्सरसाइज का 3.6। नाउ 3.6 में बोला हुआ है अ कार मूविंग अलोंग अ स्टेट हाईवे विद द स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर is brought to a stop, brake marker रोक दिया उसको, within a distance 200 meter, यानी braking distance का 200 meter है, what is the retardation of the car assumed to be uniform and how long does it take for the car to stop? अब car के बारे में क्या बोला है, car की speed 126 किलोमीटर पर आवर है, अब ये किलोमीटर पर आवर अपने को जचता नहीं है, तो convert करते हैं इसे meter per second में, multiply by 5 by 18 and this comes out to be 35 meter per second. इस कार को स्टॉप करना है, final speed has to be zero. Distance covered is 200 meter. Brake मारा, stop हुआ, 200 meter distance covered किया, तो हमें find करना है deceleration कितना होगा, as well as time कितना लगेगा उसे रुकने में. Okay? तो data ये दिया हुआ है, और हमें ये दो चीजें find करनी है. चलो फॉर्मूला याद करा दो, तो V इक्वल टू V जीरो प्लस 80, एक पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला D इक्वल टू VOT प्लस हाफ AT स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला 2AD इक्वल टू V स्क्वायर माइनस V जीरो स्क्वायर, और चौथा फॉर्मूला ड्यूरिंग nth सेकंड वाला, ड्यूरिंग nth सेकंड डिस्टेंस कवर्ड इज V जीरो प्लस A बाई 2 इंटू 2N माइनस 1। ओके, ये चार फॉर्मूला है हमारे पास में, इससे तो कौन सा फॉर्मूला सूटेबल रहेगा, तो पहले देखे तो डेटा में ये तीन चीजें दी और ये फाइंड करना है, V0, V, D, N दिया हुआ है एंड ये फाइंड करना है, तो बेटर फॉर्मूला कौन सा रहेगा बिना टाइम का, फॉर्मूला नंबर 3। क्या बोलता है फॉर्मूला, 2AD इक्वल टू V स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर, बराबर है, तो दिस देयरफॉर A विल बी इक्वल टू V स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर बाय 2D, V स्क्वायर इज 0, V0 is 35 car square upon 2 into distance covered is 200 meter, so negative आएगा meter per second square, okay, ये negative इतना आएगा, as acceleration is negative therefore it is retardation, acceleration negative मतलब retardation, वही हमको पूछा हुआ, further time पूछा हुआ, अब acceleration नहीं time ढूंढना है same data के साथ, तो V0, V, D, N, T कौन सा फॉर्मूला सूटेबल रहेगा,
ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे हम लोग डायरेक्टली जा सकते हैं टाइम ढूंढने के लिए। तो एक फॉर्मूला याद करा दो। हाँ, हमने एक फॉर्मूला रह गया इसमें, चौथा फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला यहाँ पे रह गया है। दैट इज वी इक्वल टू वी प्लस वी जीरो, वी जीरो प्लस वी बाई टू इन टू टी, ये फॉर्मूला रह गया लिखने का यहाँ। ओके, तो अब यहाँ पे वी वी जीरो डी और टी करना है, तो ये फॉर्मूला सूटेबल रहेगा, वी इक्वल टू वी जीरो प्लस वी बाई टू इन टू टी। ओके, टाइम ढूंढना है तो टाइम टी विल बी टू डी अपॉन वी प्लस वी जीरो प्लस टू, टू इंटू टू हंड्रेड अपॉन थर्टी फाइव प्लस जीरो, दिस मच सेकेंड विल बी टेकन। सर सेकेंड टाइम नेगेटिव, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। इफ यू गेट टाइम एज नेगेटिव मतलब आपने कुछ गड़बड़ किया हुआ है, घड़ी कभी उल्टी नहीं चलती। ओके, द टाइम कैन नॉट बी टेकन बैक। यहाँ पे ये टाइम आ गया, ये एक्सप्रेशन आ गया, एंड दैट्स ऑल फॉर 3.6। नेक्स्ट वी गो ऑन फॉर एक्सरसाइज का 3.7। ना क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हुआ है, टू ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ 400 मीटर ईच आर मूविंग ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन विद ए अहेड ऑफ बी। द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए एंड एक्सेलरेट्स बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ आफ्टर 50 सेकंड्स द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास्ट द ड्राइवर ऑफ ए, what was the original distance between them? Now you are said that there are two trains, एक A है दूसरी B है, दोनों बाजू बाजू में पैरेलल ट्रैक्स में चल रही है एंड बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। इसकी स्पीड सपोज V है विच इज 72 किलोमीटर पर V है बोल देते हैं एंड B की स्पीड VB, दोनों के बीच का डिस्टेंस X है ओरिजिनली, ओरिजिनली दोनों के बीच का डिस्टेंस X है। अब दोनों की सेम स्पीड है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, बराबर। बी की अचानक इच्छा हुई कि ए को ओवरटेक करते हैं, तो ए को ओवरटेक करने के लिए बी गिव्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन लगाते हैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो हमें बोला है कि कितनी, अगर ये 50 सेकंड में क्रॉस कर ले बी को, ए को सॉरी, बी क्रॉसेस ए इन 50 सेकंड्स, देन व्हाट इज द डिस्टेंस एक्स बिटवीन देम। डेटा में आपको दिया हुआ है ए की स्पीड और बी की स्पीड दोनों सेम है 72 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर हमको नहीं जिसका, इसलिए 72 इंटू 5 बाई 18 एंड दैट मेक्स 20 मीटर पर सेकंड। तो दोनों की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है सेम डायरेक्शन में, बराबर है। अब हमको बोला है कि एक्सेलरेशन दिया बी ने फॉर बी, बी ने एक्सेलरेशन दिया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, समय लगा उसको कवर करने में 50 सेकेंड, डिस्टेंस कितना कवर किया हुआ उन्होंने बी ने, तो इन दोनों के बीच का गैप x, प्लस हमें क्या बोले कि बी गुजर गया इन दिस मैनर, यानी बी का गार्ड ए के ड्राइवर को पास हो रहा है, मतलब ये डिस्टेंस x के अलावा ए का लेंथ और बी का लेंथ, यानी प्लस दोनों का लेंथ 400 है, 400 इंटू 2 यानी कि x प्लस 800 इज द डिस्टेंस कवर्ड। फिर से एक बार, दोनों के बीच का गैप यानी a का गार्ड और b का ड्राइवर, दोनों के बीच का गैप है x, फिर b की लेंथ 400 मीटर और a की लेंथ 400 मीटर, वो भी ऐड होगी क्योंकि डिस्टेंस पूरा कवर हो रहा है, सो टोटल डिस्टेंस पर x प्लस 800 एंड हमें स्पीड कितनी है a b की है, तो इनिशियल स्पीड ऑफ b इस वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए, क्यों, क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं, इसे दोनों की स्पीड कंसीडर करनी है, तो दिस विल बी वीपी एंड दैट इज 20 सॉरी वीबी माइनस बी, सो दैट इज 20 माइनस 20, रिलेटिव स्पीड ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए इज 0, क्योंकि दोनों सेम स्पीड सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, सेम डायरेक्शन से दोनों पॉजिटिव, तो माइनस ही होगा 0। सो नाउ चलो शुरू करते हैं, गिवन डेटा पर से फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, वी जीरो डी टी और ए, ऑब्वियसली सेकेंड फॉर्मूला विल बी इंपॉर्टेंट विल बी यूज, तो डी इक्वल टू वी और टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड एक्स प्लस 800 इज इक्वल वी जीरो तो जीरो है इंटू हाफ इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर, हमें फाइंड करना है सॉरी टी कितना 50 दिया हुआ है तो 50 का स्क्वायर ये हो गया 2500 डिवाइड बाय 2
1250 माइनस 800 माइनस 800 दैट्स एक्स, एक्स विल बी इक्वल टू 450 मीटर, दिस सम इज द टू टाइम्स, सो देयर विल बी डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम ओरिजिनली फर्स्ट 450 मीटर. नेक्स्ट वी गो फॉर 3.8. नाउ 3.8 में क्वेश्चन को जैसा पढ़ रहा है थोड़ा तकलीफ वाला प्रॉब्लम है, कहानी सुन बराबर पढ़नी पड़ेगी. ऑन अ टू लेन रोड कार ए इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर. टू कार्स बी एंड सी अप्रोच कार ए इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर ईच. एट अ सर्टेन इंस्टेंस व्हेन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी बीइंग बोथ बीइंग 1 किलोमीटर बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए बिफोर सी डज. What minimum acceleration of car A is required to avoid an accident? पढ़ के तो ज्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं क्या दिया हुआ है. चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है. यहाँ पे टू लेन रोड है बराबर, ये रोड है टू लेन रोड है. कार A जा रही है यहाँ पे, A is moving speed of 36 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड ऑफ A हो गया दिया हुआ है. B आ रही है, B एंड C बोथ आर अप्रोचिंग कार A इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी एक अगर यू आ रहा है तो दूसरा यू आ रहा है. अच्छा इसको यू लेते हैं, यहां पे एक लेन में बी यू आ रहा है तो सामने सी इधर से आ रहा है. अब ये टिपिकल हाईवे का सीनेरियो है, दोनों का डिस्टेंस अभी फिलहाल 1 किलोमीटर है, वो था 1 किलोमीटर अवे. यानी डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी एंड इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. स्पीड ऑफ ए इज 36 किलोमीटर पर आवर, दैट बी 10 मीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ बी एंड सी सेम 54 किलोमीटर पर आवर एंड दैट कम्स आउट टू बी 15 मीटर पर सेकेंड. अब सिचुएशन क्या है, दोनों आ रहे हैं, अब बी को क्या चाहिए, दोनों का डिस्टेंस 1 किलोमीटर, तब बी सडनली डिसाइड्स टू ओवरटेक ए बिफोर सी कम्स, उसे ओवरटेक करके यहां आगे जाना है, ए से आगे आना है बिफोर सी कम्स टू अवॉइड. अब अगर इसे ओवरटेक करने तो ऑब्वियसली यहां आके फिर जाना पड़ेगा, जैसे हम लोग करते हैं एक गाड़ी ओवरटेक करने के लिए बाहर आते हैं एंड फिर आगे चल के फिर वापस जुड़ जाते हैं. तो अगर बाहर आता है वो तो ही विल बी कमिंग इन द लेन ऑफ सी एंड माइट कोलाइड with A, with my collide with C. So in order to avoid collision with C, how much acceleration should it give so that it just crosses A, overtakes A without colliding with C. He just overtakes A without colliding with C. Okay. So यहाँ पे logic क्या होगा? B को overtake करना है A को, यानी 1 किलोमीटर distance cover करना है before C comes here. तो पहले C को कितना time लगेगा यहाँ आने में वो ढूंढ लेते हैं. उतने टाइम में इसको कितना एक्सेलरेशन मारना पड़ेगा ताकि वो बाहर निकल जाए सेफली. ओके तो पहले फॉर सी, सी की इनिशियल स्पीड कितनी है, तो वी सी दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड. डिस्टेंस कितना है सी का ए से, तो 1 किलोमीटर दैट इज 1000 मीटर, वो 1 किलोमीटर दैट मेक्स 1000 मीटर, तो डिस्टेंस टू बी कवर्ड 1000 मीटर. टाइम कितना लगेगा, कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रहा है यूनिफॉर्म जा रहा है तो टाइम कितना लगेगा इसे यहां से यहां आने में, बराबर है. तो टाइम टी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1000 बाय 15 बराबर. अब यहां पे तकलीफ क्या हुई, सी आ रहा है सामने, ए भी अप्रोच कर रहा है, तो इनिशियल स्पीड ऑफ सी क्या होगा, वी सी, दोनों मुंह करें ना तो वेलोसिटी ऑफ सी इससे पे हुआ एंड दैट बी वी सी माइनस वी ए. वी सी कितना है 15 माइनस वी ए विल बी नेगेटिव 10 क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन, सो दैट कम्स आउट टू बी 25 मीटर पर सेकंड. तो सी की स्पीड रिस्पेक्ट टू ए 25 मीटर पर सेकंड. ओके इसे हम लोग यहां ले लेते, सो दिस विल बी 15 माइनस नेगेटिव 10 and that is 25 meter per second initial speed of c. क्यों, क्योंकि a b सामने आ रहा है इसलिए. distance to be covered is 1 kilometer, that is 1000 meter.
टाइम कितना लगेगा वो ढूंढना है, तो वी इज इक्वल टू डी बाई टी यूनिफॉर्म मोशन के, टी इक्वल टू डी अपॉन वी दैट इज 1000/25 एंड दैट्स 40 seconds. तो सी को क्रॉस करने, सी को यहां तक आने में 40 seconds लगेगी. अब वो 40 seconds के दौरान, ड्यूरिंग दैट 40 seconds बी हैज टू ओवरटेक ए, ड्यूरिंग दैट 40 seconds बी हैज टू ओवरटेक ए. तो फॉर बी, अब बी के लिए टारगेट क्या है, इनिशियल स्पीड उसकी, तो इनिशियल स्पीड बी की क्या है, तो बी ए को ओवरटेक करने वाला है तो उसकी स्पीड ए के रिस्पेक्ट में देखनी है. तो स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए दैट्स वी बी माइनस वी ए एंड दैट बी 15 - 10. सर यहाँ ए को नेगेटिव नहीं, दोनों सेम डायरेक्शन है तो नेगेटिव नहीं आएगा. सो दिस विल बी 5 m/s², तो 5 m/s दैट विल बी द रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए. डिस्टेंस टू बी कवर्ड कितना है, 1000 m. ओके, हमें टाइम कितना मिलेगा, 40 seconds. तो बंदे को एक्सेलरेट कितना करना है वो ढूंढना है हमें. फॉर्मूला कौन सा सूटेबल रहेगा इसमें, गिवन द डेटा v0 dnt इज गिवन, a इज टू बी फाउंड आउट, ऑब्वियसली ये वाला फॉर्मूला सूटेबल रहेगा, vot plus half at square. ओके, सो d इक्वल टू vot प्लस हाफ at square. चलो वैल्यू पुट अप करते हैं, तो d इज 1000, v0 5 into t 40 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन ढूंढना है, t कितना है 40 का स्क्वायर, सो दिस विल बी 1000 इज इक्वल टू 200 प्लस 40 का स्क्वायर 1600 बाय 2 800 है, तो 800 इज इक्वल टू 800 a. सो एक्सेलरेशन टू बी गिवन 1 m/s², यानी b हैज टू एक्सेलरेट इटसेल्फ विद विद 1 m/s² इन ऑर्डर टू ओवरटेक ए विदाउट कोलाइडिंग विद सी, ओवरटेक ए विद विदाउट कोलाइडिंग सी. ये पूरा इसका लॉजिकल सिचुएशन जो हम लोग हाईवे पे नॉर्मली करते हैं, देखा होगा पापा को कि गाड़ी पे एक्सेलरेटर दबा के ओवरटेक लेते हैं, तो वैसा ही सिचुएशन यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, वर्कआउट किया विद वैल्यूज. ओके, सो दैट्स नंबर 3.8. नेक्स्ट एक्सरसाइज का 3.10, 3.9 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, 3.10 ले रहे हैं. 3.10 में बोला हुआ है अ प्लेयर इज थ्रोइंग अ बॉल अपवर्ड्स विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 m/s. एक प्लेयर ने बॉल को थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में विद इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 m/s. तो हमें बोला है क्वेश्चन में आगे के तीन पार्ट ए बी सी जो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, देयर मोर थियोरेटिकल, वी टेक द डी पोर्शन. डी पोर्शन में बोला कि ऊपर जाके कितनी मैक्सिमम हाइट लेगा एंड फिर कितनी देर में वापस आएगा, दोनों चीजें फाइंड कर लिए. वी टू फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड एंड कितने टाइम में रिटर्न बैक टू द प्लेयर्स हैंड, प्लेयर ने बॉल को थ्रो किया तो वापस उसके हाथ में कितने टाइम में आएगा वो फाइंड करना है. ओके, तो इनिशियल स्पीड कितनी 29.4, मैक्सिमम हाइट किसको बोलते हैं, तो एज द बॉल मूव्स अप इट इज मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी, डिक्रीज होकर जीरो होगी. जीरो स्पीड बाद में तो आगे जाने वाला नहीं है, मतलब मैक्सिमम हाइट हो गया, तो मैक्सिमम हाइट इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेलोसिटी जीरो. ओके, तो पहला हमें फाइंड करना है कितना उसने हाइट गेन किया, तो उसके लिए एक्सेलरेशन यहाँ पे अगेंस्ट जी जा रहा है तो माइनस जी दैट इज -9. वर्टिकल अपवर्ड मोशन में -9.8 लेते हैं. ओके, अब हमें फाइंड करना उसने मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर किया जब उसकी स्पीड जीरो हो गई. पहला केस v इक्वल टू जीरो, डिस्टेंस कितना, तो मैक्स हाइट मिलेगा. v जीरो दिया है, a दिया है, v दिया है, d फाइंड करना है, तो एज पर द लिस्ट ऑफ फॉर्मूला द फोर्थ द थर्ड वन विल बी बेटर हियर टू फाइंड आउट. सो 2ad इज इक्वल टू v² - v0² तो 2 इनटू -9.8 इनटू d is equal to 0 - 29.4 का स्क्वायर. सो d विल बी इक्वल टू -29.4 का स्क्वायर अपॉन -19.6. सिंप्लीफाई कर दो, याद आएगा इतना मैक्सिमम हाइट गेन करेगा ये. फिर दूसरा इसमें पूछा कितना टाइम लगेगा वापस आने में, तो v इक्वल टू 0 हाउ मच टाइम विल इट टेक वो फाइंड कर लेते पहले, यानी ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगा वो ढूंढते हैं.
ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगा वो ढूंढते हैं। तो गिवन डेटा वी जीरो ए वी एंड टी ढूंढना है, तो इन दैट केस फर्स्ट फॉर्मूला विल बी बेटर। तो वी इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी, सो वी माइनस वी जीरो विल बी इक्वल टू ए टी, सो टी विल बी इक्वल टू वी माइनस वी जीरो अपॉन ए, दैट इज जीरो माइनस 29.4 अपॉन एक्सेलरेशन नेगेटिव 9.8 इतना सेकंड आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो इतने टाइम में ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 3 सेकेंड। तो द बॉल टेक्स 3 सेकेंड टू गो अप, तो नीचे आने में भी 3 सेकेंड लगेंगे। याद रखने का ग्रेविटी में जितने टाइम में ऊपर जाते उतने टाइम में वापस नीचे आएगा, जितने टाइम में ऊपर गया उतने टाइम में वापस नीचे आएगा। सो टोटल सो देयरफॉर बॉल रिटर्न्स टू प्लेयर्स हैंड, रिटर्न्स टू प्लेयर्स हैंड, प्लेयर्स हैंड इन 3 + 3 दैट इज 6 सेकेंड। 3 ऊपर जाने में 3 नीचे आने में टोटल 6 सेकंड होगा, तो 6 सेकंड बाद वो वापस प्लेयर के हाथ में आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया डी पोर्शन ऑफ दिस सम। अब पहले पोर्शन, पहले सेक्शन ए में क्या पूछा हुआ देखते हैं। क्वेश्चन ए का बोलते हैं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। अपवर्ड मोशन है तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही है ना, डायरेक्शन एक्सेलरेशन भी एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। दूसरे में पूछा हुआ है व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मोशन। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मोशन पे कितना वेलोसिटी होगा, ऑब्वियस हाईएस्ट पॉइंट पे एट हाईएस्ट पोजीशन, एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी जीरो, एंड एक्सेलरेशन तो कहीं पे भी लो ऊपर नीचे लो ऊपर लो नीचे लो हमेशा जी ही रहेगा 9.8 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन ऑलवेज। तीसरा हमें बोला हुआ है, तीसरे में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है सी पोर्शन में। सी पोर्शन में दिया हुआ है कि चूज एक्स इक्वल टू 0 मीटर एंड टी इक्वल टू 0 सेकंड टू बी लोकेशन एंड टाइम ऑफ द बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, यानी हाईएस्ट पॉइंट को ओरिजिन लेना है एंड टाइम टी इक्वल जीरो लेना है। बॉल यहां से ऊपर की तरफ थ्रो किया, ऊपर गया, वापस नीचे आया, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इसे एक्स इक्वल टू 0 एंड टाइम टी इक्वल जीरो यहां पर लेना है। आने बोला है कि एंड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड लेना हमें दूसरा ये भी बोला है कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव ले लो। तो हमारे दिमाग के सारे कॉन्सेप्ट उल्टे करने की कोशिश की गई है इस क्वेश्चन में। अब इस बात को ध्यान में रखते वी हैव टू गिव द डायरेक्शन ऑफ सॉरी गिव द साइन कन्वेंशन ऑफ पोजिशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन। तीन चीजों के साइन कन्वेंशन है, पोजीशन यानी कि एक्स, वेलोसिटी यानी वी, एक्सेलरेशन यानी ए। कब? ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, एंड ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन एंड दूसरा ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन। मेरे ख्याल से ये तो आप आराम से कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। अपवर्ड मोशन के दौरान पोजीशन ऊपर की तरफ जाएगा, पोजिशन सारे यही होंगे, ओरिजिन से नीचे होंगे, जिसको पॉजिटिव लेना है पॉजिटिव। वेलोसिटी अच्छा डाउनवर्ड मोशन के दौरान भी हर एक जगह टाइम पे होनी चाहिए बिलो द ओरिजिन, जिसको पॉजिटिव लिया हुआ है ये पॉजिटिव रहेगा दोनों केस में, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। वेलोसिटी बात करें तो अपवर्ड जा रहा है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में, वेलोसिटी डायरेक्शन देखने का है तो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड जाते वेलोसिटी नेगेटिव लेनी है एंड डाउनवर्ड आते वक्त विल बी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, बराबर है। अब एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगा ड्यूरिंग द मोशन, ऊपर जाओ के नीचे जाओ एक्सेलरेशन भी ऑलवेज डाउनवर्ड यानी के पॉजिटिव। ये हो गया रिगार्डिंग थर्ड सेक्शन। ओके, ये तीनों सेक्शन मैंने नोट्स में नहीं दिए हुए तो यू प्लीज कॉपी इट डाउन।